सोशल मीडिया पर मेरे एक वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार 2027 में फिर आएगी। बिहार में उपचुनाव के नतीजे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा आरजेडी के युवराज के कारण बीमा भारती हारी है, आने वाले पीढ़ी में दोनों गठबंधन को नकारा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को जीतनराम मांझी ने खारिज किया और कहा पत्थर पर कितना भी माथा पटक ले नहीं पूरी होगी ये मांग। दिल्ली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन। सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और आप सांसद संजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे। इंदौर में 12 घंटे के भीतर रोपे जाएंगे 11 लाख पौधे। गृहमंत्री अमित शाह इस पल के बनेंगे साक्षी। तो वहीं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अमित शाह करेंगे शुभारंभ। मुंबई वासियों को पीएम मोदी ने दी 30,000 करोड़ की सौगात। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का उद्घाटन किया। कहा कनेक्टिविटी और होगी बेहतर, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार, इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए। 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। महाराष्ट्र को विकास योजनाओं की सौगात पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा महाराष्ट्र में जब भी पीएम मोदी आते हैं प्रगति और विकास के द्वार खोल देते हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली के लाजपत नगर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 8 से 10 राउंड फायरिंग से दहला पौश इलाका। एक युवक के घायल होने की खबर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में बदमाशों ने टीएमसी के 2 नेताओं को मारी गोली। घटना में 1 की मौत, 2 घायल। इलाके में बड़ा तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जुटी। आपको बता दें ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर। 7 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम। पिस्टल लहराने के मामले में खेड़कर की मां और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी में देर रात 5 जिलों में बदले गए डीएम। चंद्र विजय सिंह को मिली अयोध्या की जिम्मेदारी। इंद्रमणि त्रिपाठी को डीएम औरैया बनाया गया। तो वहीं बद्रीनाथ सिंह को डीएम सोनभद्र बनाया गया। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल बनी। निधि श्रीवास्तव डीएम बदायूं बनाई गई। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। 2 युवकों पर एफआईआर। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर रही छापेमारी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीएसएफ चौकियों का दौरा किया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा का जायजा लिया और इस दौरान जवानों से बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में डीजीपी तिरुमाला राव ने किए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन, पूजा कर आशीर्वाद लिया। यूपी के देवरिया में बारातियों को खाने में मछली न मिलने पर दूल्हे ने किया बवाल। बिन दुल्हन ही लौटी बारात, बारातियों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कानपुर देहात के सट्टी इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। राइफल की बट से युवक से ने हमला करते नजर आए लखन सिंह यादव। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। यूपी के महोबा में एटीएम केबिन अंदर पबजी गेम खेलता हुआ नजर आया युवक। वीडियो वायरल होते ही एटीएम की सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल। राजस्थान के पाली की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। ट्रेन आती देख पति पत्नी ने रेलवे पुल से छलांग लगाई। गौरघाट रेलवे ब्रिज पर ले रहे थे सेल्फी, दोनों की हालत गंभीर। प्रयागराज में तेज बारिश के कारण भरा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, जिला प्रशासन की बड़ी चिंता। बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही। महाराष्ट्र, गुजरात, असम समेत यूपी, बिहार के कई गांव पानी में डूबे। बिहार के रोहतास में झरने में बहे लोग। तो यूपी में बाढ़ के पानी में बहकर सड़क पर आया मगरमच्छ। बहराइच में बाढ़ आपदा के बीच रिहायशी इलाकों में घूमता दिखा मगरमच्छ। लोगों के शोर मचाने पर बारिश के गड्ढे में घुसा, वन विभाग को दी गई जानकारी। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। बीएमसी ने लोगों से अपील की, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। यूपी में बाढ़ बारिश से 17 जिलों के 700 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। पिछले 24 घंटों में बारिश से 11 लोगों की मौत हुई। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए
1000 राहत शिविर बनाए गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला, गांव वालों ने स्टीमर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिनाब में बहकर पाकिस्तान पहुंचा युवक का शव, पाकिस्तान के सियालकोट में शव का पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया। अब जम्मू में बेटे के शव के लिए पिता खा रहा दर्द की ठोकरें। यूपी के बलरामपुर में लगातार बढ़ रहा है राप्ती नदी का जल स्तर, अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही राप्ती नदी, ग्रामीण इलाकों में भरा है बाढ़ का पानी। बलिया में घाघरा नदी का कटान जारी, अब तक सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाई। जौनपुर में छात्रों की दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, मारपीट के दौरान कई छात्र हुए घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति की पिटाई से पत्नी की मौत, मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। गाजियाबाद में दबंगों ने की टैक्सी ड्राइवर की पिटाई, गाड़ी ओवरटेक करने पर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस, घटना के बाद आरोपी फरार। रायबरेली में आरएसएसपी के सचिव की गाड़ी पर हमला, अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में मंचलों के हौसले बुलंद, कार सवार मंचलों ने महिला सिपाही से छेड़छाड़ की, गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल, दबंगों ने शराब के नशे में महिला सिपाही से छेड़छाड़ की थी। यूपी के झांसी में कार के अंदर मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान, वीडियो में एक युवक को कार में ले जाकर कुछ लोग पीटते नजर आए, पुलिस मामले में केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी। रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में कोनी संघर्ष हो गया, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में मामूली विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, घटना के बाद से इलाके में दहशत, पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों की लकड़ी तस्करों से मुठभेड़, जहां फायरिंग में 2 वनकर्मी घायल, 7 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आग का तांडव, कई घरों में आग लगी, कई मवेशियों के मारे जाने की भी खबर। लखनऊ में गैस सिलेंडर लादकर जा रही गाड़ी में अचानक से आग लगी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सक्रियता से बड़ा हादसा होने से टला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर हाईवे पर पलटा, टैंकर पलटने से मौके पर अफरा तफरी मची, घटना में बाल बाल बचा टैंकर चालक। मध्य प्रदेश के बड़वारी में टोल टैक्स के पास ट्रक में अचानक से आग लगे, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बुलंदशहर में एक कार शोरूम में भीषण आग लगी, कई कारें आग में जलकर राख हुई, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में मौजूद केमिकल ड्रम में आग से विस्फोट हो गया, जहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हरियाणा में यमुनानगर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, धुएं के गुब्बार से घिरा आसमान, केमिकल से भरे 3 ट्रक पूरी तरह से जले, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मैहर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जहां सड़क पार कर रही मासूम बच्ची को एम्बुलेंस ने रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हैदराबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ, कोठूर वाई जंक्शन पर 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई, सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बियर से लदी तेज रफ्तार डीसीएम खड़े ट्रक से जा टकराई, बियर की कैन सड़क पर बिखरी, मौके पर पहुंची पुलिस। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ, भक्तों में नजर आया उत्साह का माहौल, सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। अनंत अंबानी राधिका की शादी के बाद शुभ आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ, जहां पीएम मोदी समेत कई राजनेता, क्रिकेटर, बॉलीवुड के सितारों समेत साधु संत भी शामिल रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला का दौरा किया, राज्य स्तरीय राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत की, साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम। तमिलनाडु की नीलगिरी में मस्तिष्क मृत महिला के अंग सरकारी अस्पताल में किए गए दान, पहली बार सरकारी अस्पताल में दान हुए अंग। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज खुल सकता है रत्न भंडार, 46 साल बाद रत्न भंडार को खोलने की तैयारी, बीजेपी के चुनावी वादे में शामिल था, आखिरी बार 1978 में खोला गया था भंडार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मां ताप्ती को चढ़ाई गई 108 मीटर की चुनरी, 21 ब्राह्मणों ने पूजन किया।